वेलकम टू शरद्वी मोर इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन लेक्चर. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. टुडे एज यू विल लर्न अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेसन नंबर 6. तो इन लेसन नंबर 6 यू हैव टू कवर द मेन 4 टॉपिक्स. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. ओके, तो नाउ यस कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो यू हैव स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल इट इज रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ओपेक सरफेस इट डिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस और इट टर्न बैक और इट रिटर्न्स ओके in the coming directions. Such type of the process that takes place by the light is called as the reflections. Next, what are the laws of reflections? So yes, here you have learned 3 laws that related to reflection. So what are that 3 laws? Reflected ray, incident ray and normal, all 3 lies in the same plane. Okay, tino kisme present rehte same plane mein. Second law, yes, incident ray and reflected ray are always opposite to the normal. ये दोनों क्या होते हैं, ये हमेशा अपोजिट होते हैं नॉर्मल के. एंड थर्ड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. एंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, सो देयर आर द 2 टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन. वन इज कॉल्ड एज द regular reflection and second one is called as the irregular reflections that you have studied in the 8th standard. Okay, so in regular reflections what happens, when the reflection takes place through the smooth surface then reflection is called as the regular reflection, and when reflection takes place through the rough surface then it is called as the irregular reflection. To usko hum kya bolte, irregular reflections bolte. Okay, so this was about okay from the 8th standard. Now yes, let's continue. We have seen that generally light travels in a straight line. Okay, still in the lower standard you have learned that light always travel in a straight line, but in certain conditions it bend to certain extent. Kya hota hai, ye hamesha light kisme travel karti hai, ye straight line mein, but ye certain situations mein kya hota hai, certain situations may only it bend to certain extent, and that we have to see in the lesson of the reflection. Usko hum log lesson reflections mein wahi dekhne wale. Because of this, if an opaque object lie in the path, a shadow of object is formed. As light travel in a straight line, and if any opaque object or you can say obstacles, rukawat, aur wo bhi rukawat kaisa hona chahiye, opaque. ओपेक मीन्स नॉट ट्रांसपेरेंट, नॉट सेमी ट्रांसपेरेंट, ऐसा मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, आर पार दिखाई दे उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, या धुंधला दिखाई दे आर पार की चीज़ें तो भी वो क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा. तो व्हेन लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इफ सच टाइप ऑफ द मटेरियल इज नॉट प्रेजेंट, ओपेक मटेरियल प्रेजेंट मीन्स दैट डू नॉट अलाउड टू ट्रेवल वन साइड from one side to another side to the light. Okay, ऐसे material जो क्या है, light को एक side से दूसरी side travel नहीं होने देते. अगर वो उसके path में आ जाते हैं तो क्या होता है, उस material का shadow form होता है. Why? Because क्या होता है, जितना भी वो broad रहेगा, जितनी उसकी length रहेगी, वो उतने उतने ही region उस area पे जो भी light fall होगी उसको वो stop कर देगा. तो वहाँ पे क्या होगा, उसके back side में light पहुँचेगी नहीं, तो dark होगा. एंड साइड बाई साइड लाइट जो है ये वो क्या है, पहुँचेगी, वो उजाला होगा. तो जो पार्ट क्या है, ये वो लाइट स्टॉप कर देता है जितने रीजन्स में वो चीज़ का शेडो बैक साइड में फॉर्म होता है. वी हैव ऑल्सो सीन इन प्रीवियस क्लासेस हाउ दिस शेडो चेंज ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट. और हमने क्या देखा है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है और ऑब्जेक्ट जो है, कैसे कैसे उसका जो शेडो का शेप भी चेंज होता है, साइज भी चेंज होता है. फॉर एग्जांपल अगर क्या है, ये जो ये सोर्स ऑफ लाइट है,
सोर्स ऑफ लाइट क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो जैसा जैसे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है अगर किसकी तरफ मूव हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट अगर जैसे जैसे क्या है, ये सोर्स की तरफ मूव होगा, किधर, सोर्स की तरफ, तो क्या होगा, उसका साइज छोटा होगा। और अगर वो ओवरहेड हो गया, ऊपर आ गया सर के ऊपर, कौन, सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या होगा, इस जो शेडो होगा वो बहुत ही स्मॉल बनेगा और समटाइम्स वो दिखाई नहीं देगा, इतना स्मॉल हो जाएगा। तो बाय चेंजिंग द सोर्स ऑफ लाइट पोजिशंस और ऑब्जेक्ट पोजिशन द शेडो चेंजेस, बट लाइट कैन बेंड अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एज वी विल सी बिलो। लेकिन लाइट क्या है, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में ही क्या करती है, अपने पाथ को चेंज करती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन लेसन नंबर 6, जो लेसन नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, की हमेशा वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद में क्या है, इस रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है, दैट यू हैव टू रिवाइज, उसको रिवाइज ऑलरेडी अभी किया हम लोगों ने, और आपको डिटेल में रिवाइज करना, तो यू हैव टू रेफर द 8th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। नाउ यस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नाउ यस ट्राई दिस, ये हम लोगों को एक्टिविटी करके देखनी है, क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल्स है, ग्लास, 5 रुपीज़ कॉइन, पेंसिल, मेटेलिक वेसल एट्सेट्रा। इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, यस ग्लास, 5 रुपीज़ कॉइन, यस पेंसिल, मेटेलिक वेसल एट्सेट्रा, ये चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत लगेगी फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। इन एक्टिविटी 1, टेक ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विद द वाटर, टेक ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विद वाटर, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, ग्लास कांच, एंड फिल इट विद वाटर, और उसको क्या है, पानी से भर देना है। डिप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल वर्टिकली इन वाटर, डिप सम पोर्शन ऑफ ए पेंसिल वर्टिकली इन वाटर एंड ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ द पोर्शन ऑफ पेंसिल इन द वाटर। अब क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके अंदर एक क्या है, और एक पेंसिल लेनी है, उस पेंसिल को क्या करना है, उसके अंदर वर्टिकली एकदम कैसे स्ट्रेट रखना है, बेंड करके नहीं रखना है, स्ट्रेट रखना है। और उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को यस नीचे के पोर्शन से, ये जो पेंसिल का पानी में पोर्शन है, पेंसिल का किसका पोर्शन, पानी में जो पोर्शन है, उसको ऑब्जर्व करना है, और ऊपर भी केयरफुली ऑब्जर्व करना है। नाउ कीप द पेंसिल इनक्लाइन टू वाटर सरफेस एंड ऑब्जर्व इट थिकनेस। अब क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा उसको टिल्ट करना है, टेढ़ा करके पेंसिल को रखना है, या उसको बेंड कर देना है, इंक्लाइन करना है, इंक्लाइन करना है मतलब ये क्या है, बेंड करके रखना है। एंड देन अगेन वी हैव टू ऑब्जर्व इट, और उसके बाद क्या करना है, फिर से हमको ऑब्जर्व करना है। इन बोथ केसेस द पोर्शन ऑफ पेंसिल इन साइड वाटर अपीयर टू बी थिकर देन द पोर्शन अबव द वाटर। अब ये दोनों केस में क्या हमको दिखाई देगा, जो पेंसिल, जो पोर्शन पेंसिल का पानी में डिप है, पानी में डूबा हुआ है, वो थिकर होगा, थिकर मतलब कंपेरेटिवली पहले के कंपेयर में जाड़ा होगा, थिक मतलब क्या होगा, मोटा। तो पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके कंपेयर में जो पानी के अंदर पोर्शन है, यस दैट विल बी थिकर। इन द सेकेंड केस द पेंसिल अपीयर टू बी ब्रोकन नियर द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाई डज इट हैपन। नाउ यस इन सेकेंड केस मीन्स व्हेन वी हैव यस इंक्लाइन टू द पेंसिल इन द वाटर, जब हमने पेंसिल को इंक्लाइन रखा वाटर में, तो दैट टाइम जहाँ पे क्या है, यस वाटर सरफेस है, और जहाँ पे यस एयर ऊपर का लेयर है, तो वहाँ पे हम लोगों को पेंसिल ब्रोकन लगेगी, टूटी हुई लगेगी, कटी हुई लगेगी। नाउ ये सीधा एक्टिविटी 2, कीप ए 5 रुपीज़ कॉइन ए मेटेलिक वेसल्स, हियर वी हैव टू टेक द 5 रुपीज़ कॉइन इन मेटेलिक वेसल, मींस स्टेनलेस स्टील के क्या लेना है, टम्बलर लेना है, ग्लास लेना है, एंड इन दैट वी हैव टू यस कीप द 5 रुपीज़ कॉइन, स्लोली गो अवे फ्रॉम द वेसल्स। नाउ अब क्या करना है, स्लोली हम लोगों को वेसल से दूर जाना है, क्या करना है, वेसल से दूर जाना है, और दूर जाने के टाइम क्या करना है, हम लोगों को वो ऑब्जर्व करते जाना है कि हम लोगों को वो कॉइन दिखाई देती है, और ये कंटिन्यू करना है जब तक हम लोगों को क्या है, ये वो कॉइन दिखाई देती है। एंड देन वी हैव टू स्टॉप व्हेन द यस दैट कॉइन डू नॉट अपीयर। अब हम लोगों को ऐसे ही दूर चलते जाना है, कहाँ से,
फ्रॉम द ग्लास, ग्लासेस से दूर होते चले जाना है। कब तक जाना है? जब तक कि हम लोगों को वो दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई देना बंद हो जाता है। ग्लास क्या करता है, दिखाई दे, ग्लास के अंदर का कॉइन हम लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है और वहाँ पे हम लोगों को रुक जाना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये सपने फ्रेंड को बोलना है कि क्या है, ये उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करो, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, वहाँ पे वाटर ऐड करते जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को फिर से क्या होगा, कॉइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, तो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है ये।
स्लैब, उसके बाद वो ग्लास स्लैब से क्या होता है बाहर आ जाता है।